छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत को लेकर श्री नारायण अस्पताल रायपुर ने नया बुलेटिन जारी कर दिया है। उनका नया हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है। बुधवार को जारी इस हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि अजीत जोगी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है, उनकी स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। उनके ब्रेन की एक्टिविटी ना के बराबर है। पूर्व मुख्यमंत्री जोगी के ब्रेन को एक्टिव करने के लिए डॉक्टरों की टीम लगातार कोशिश कर रही है। अजीत जोगी को फिलहाल वेंटिलेटर से ही ऑक्सीजन दी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे थोड़ा संवाददाता सत्या राजपूत से। सत्या, कोई भी नया डेवलपमेंट अजीत जोगी की हेल्थ में नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार डॉक्टर्स की टीम जिस तरह से उनकी जांच कर रही है, देखरेख कर रही है, उसको लेके जो मेडिकल बुलेटिन अभी जारी हुआ है उसमें और क्या कुछ नई चीजें हैं? जी बिल्कुल, हम बात करें अजीत जोगी की, तो पहले जिस कंडीशन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था उसमें डॉक्टरों ने आज थोड़ा सा सुधार बताया। उनकी आंख की पुतली में मूवमेंट बता रहे हैं और वही ईसीजी रिपोर्ट और ब्लड प्रेशर और ये तमाम रिपोर्ट की बात करें तो उसमें सुधार की बात है। हालांकि अभी भी वो कोमा में हैं और उनके जो ब्रेन को आइडियोथेरेपी के माध्यम से उनको पुनः वापस करने के लिए कोशिश की जा रही है। आज की बात करें तो थोड़ी सी हालत में सुधार की बात कही जा रही है और उनको देखने के लिए तमाम मंत्री राजनेता सब वहाँ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया उनको देखने के लिए तमाम मंत्री और राजनेता पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुँचे थे, अमित जोगी और रेणु जोगी से उनके स्थिति जो उनकी जो कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन, उसको लेके उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ इस दौरान बातचीत हुई? जी बिल्कुल, हर कोई उनके परिजनों से मिल रहे हैं, डॉक्टरों से जानकारी ले रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं उनकी स्थिति को लेकर कि अभी किस कितने घंटों में कौन सा इलाज जारी है और आइडियोथेरेपी के उनके मनपसंद गाने सुनाए जा रहे हैं। और जितने भी नेता उनसे देख कर आ रहे हैं वो सबका यही कह रहे हैं कि उनके अदम्य साहस है, उनके अदम्य जो इच्छा शक्ति है जिसकी वजह से आज अजीत जोगी या अभी भी इस दुनिया में है। लेकिन पहले की बात करें तो इसके पहले भी कई बार वो मौत को चकमा दे चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि इनके हालात को देखते हुए कि पहले की स्थिति को भी इस बार भी वो मौत को चकमा देने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसा डॉक्टरों का कहना है कि टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे हालात सुधरेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।